अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कासिम और आज का टॉपिक है इंटर रिलेशन डायग्राम। तो हमारे जो इस लेक्चर में हम वो एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे जो हमारे पिछले लेक्चर में मिस हो गए थे, तो अब हम उसी को ही कवर करते हैं। इसको हम थोड़े से रीशेप कर लिए ताकि हम इसे असाइन करवा सकें। तो इसको ऐसे हम देख लेते हैं, हम थोड़ा सा इस तरफ ताकि ये असाइन हो सके। इसका भी ऐसे ही कर दिया हमने, हम इसको ऐसे रख सकते हैं। इसमें हम अभी हमारे दो कॉलम्स मिस हैं, इसको हम थोड़ा सा स्पेस देने के भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर निकलने लगे हैं तो और इसे स्पेस देंगे और दरअसल पिकर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। स्टेटस के विकल्प परचेज्ड है, अवेलेबल है, इसमें हम चेक रखेंगे। और इमेज व्हीकल का जो इमेज है वो यहाँ पे हम सेव करेंगे। तो इमेज एट्रीब्यूट अगर मिस हो गया है हमारा रजिस्ट्रेशन से तो हम वहाँ पे भी इसको डुप्लीकेट करके ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यूज़र का भी इमेज होना चाहिए। तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी शायद जगह भी बनाएं। इसको उसके साथ और इमेज यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इमेज को एडजस्ट कर दिया, उसे सेव भी कर लिया। अब हमें ये जो है एट्रीब्यूट्स को जल्दी से हम कनेक्ट करेंगे। तो हमें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक चाहिए होगी लाइन, तो लाइन को हम डुप्लीकेट करते जाएंगे और हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने इसे कनेक्ट जल्दी से जल्दी करना शुरू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इससे स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप थोड़ी सी इस पर काम करेंगे तो डायग्राम में इतना भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप थोड़ा सा जैसे एक्टिव हो के और पहले से ही प्लान की हो शेप, तो फिर ही आप ये कर सकते हैं। एटम को सिलेक्ट करके ओके, ये मूव नहीं कर रहा। इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लिया और ये भी हमने लाइन को ऐसे दे दिया। अलाइनमेंट करने के बाद अभी हमारे पास दो टेबल ऐसे जिनके हमने एट्रीब्यूट्स नहीं लिखे और ने अलाइन भी नहीं किया। तो
कंप्लेंट्स। सबसे पहले तो हम बुकिंग का कर लेते हैं। ये आईडी जो है सभी के साथ इस्तेमाल होगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे और शेप से आना मुश्किल ही है, ये आप यहाँ पे रख सकते हैं। और बुकिंग में जो है हम रखेंगे ना व्हीकल आईडी, हम अंडरलाइन को खत्म कर दें क्योंकि ये फॉर्म की है। और यूजर आईडी क्या, हमें रिलेशनशिप बनाया था यूज़र का भी, तो आपको पता ही है यूज़र का हमें रिलेशनशिप अटैच किया, तो हमें यूज़र आईडी भी देंगे ऐसे फॉरेन की। और आईडी जो है वो बुकिंग आईडी तो है ही, सो डिलीट वाला हम जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं कॉलम को। इसके अलावा हमारा जो है कॉलम स्टेटस कि बुकिंग का स्टेटस क्या है, यानी कि वेरीफाइड है या नहीं, तो वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया कि वो वेरीफाइड आगे। तो कॉलम ने बना दिए स्टार्टिंग डे एंड टाइम, आप यहाँ पे ऑप्शन रख सकते हैं। स्टार्टिंग स्टार्ट के लिए STD, ये शॉर्ट एब्रीवेशन हम यूज़ कर रहे हैं स्टार्टिंग, क्योंकि काफ़ी बड़े लफ्ज़ बन जाते हैं स्टार्टिंग डेट एंड टाइम। और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड डेट टाइम, तो कॉलम में हमें और चाहिए दो एट्रीब्यूट्स। एक में हमारा होगा पेड और एक होगा रिमेनिंग। इसको हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, तो लाइन को एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और इन्हें कनेक्ट करते हैं। और ये भी कनेक्ट हो गई है, डायग्राम कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों हम इस तरह हम एक डायग्राम कंप्लीट बना सकते हैं जिसमें आप आसानी से पहले ही चीज़ें चेंज करके इम्प्लीमेंट किए बगैर ही डिज़ाइन को चेक कर सकेंगे कि ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक डाटा प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो ये डाटा कि हमने कॉलम्स
यानी जो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की शक्ल में है वो बना दिए। और अब हमारा सिर्फ एक ही टेबल रह गया है, उसके लिए जगह काफ़ी है। तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने डुप्लीकेट कर लिए। यूजर आईडी भी आएगा कंप्लेंट्स के अंदर, और हमारा यहाँ पे था व्हीकल अंडर कैटेगरी, कंप्लेंट किस कैटेगरी की होगी ये भी आएगा। और सॉफ्ट लीड का भी हमारा कॉलम आएगा, एक हम रखेंगे डैमेज प्राइस का। जो डैमेज आई है हुई है उसकी कितनी कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे आएगा उस कंप्लेंट पे। और एक कॉलम जो है वो बुकिंग आईडी भी आएगा कि किस बुकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंप्लेंट जनरेट हुई है, ये जो डैमेज कंप्लेंट है। तो हम यहाँ पे बुकिंग आईडी, ये व्हीकल बुकिंग आईडी है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आसानी से ऐप हो सके। तो दोस्तों हमारा काम तकरीबन जो एंट्री रिलेशन वाला है ख़त्म होने को है, अब हम फाइनल टच दे रहे हैं। दे सकते हैं कि आप ये सारी एट्रीब्यूट्स कनेक्टेड हो चुकी हैं। और जो फॉरेन कीज हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमने अंडरलाइन यूज़ की हुई है फॉरेन की, यहाँ पे यूज़र आईडी थी, हम एक फॉरेन की बना लेते हैं और सभी को वैसे ही चेंज कर लेंगे। प्रॉपर्टी में जाके हम इसकी शेप चेंज कर देंगे इस लाइन की, डैशेस में हमने कर दी है। ये डैशेस जो है हम जहाँ पे भी ये फोन की यूज़ हो रही है, जिस टेबल में भी, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हो रही है, और आप देख सकते हैं कि ये डैशेस ज़रा थोड़े से नीचे कर दिए जाए रेड लाइन से, ताकि पता चल सके कि ये एक फोन की में भी आप देख सकते हैं कि अगर व्हीकल में मैं इसके में डुप्लीकेट ले ली और व्हीकल आईडी मैं कर दिया है, और इसमें आपकी बुकिंग आईडी भी डुप्लीकेट है। दोस्तों हमने ये एंट्री रिलेशन डायग्राम बनाई व्हीकल सेल और रेंट मैनेजमेंट सिस्टम की, या आप इसे ऑनलाइन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो काफ़ी हद तक हमने ये जो चीज़ है
हमने बना ली है। इस डायग्राम में आपने रिलेशनशिप का एनालिटिस भी देखे, एट्रीब्यूट्स, ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इन्हें भी देखा, और ये जो अंडरलाइंस एट्रीब्यूट्स हैं ये फॉरेन की, इन्हें भी हमने देखा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके ही आप मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं और मैं इस चैनल के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के आपको वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ को मिले, तो आप उस नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकें और आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।